हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है, यानी कि एरिया निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो एरिया निकालने के लिए हमको ए का वैल्यू यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, हाइट दिया है। ठीक है, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज गिवन रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन है, केवल एक ही चीज, हाइट दिया हुआ है। गिवन हाइट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हाइट का फॉर्मूला को यूज करके वहां से हम ए निकालेंगे, और फिर जब ए निकल जाएगा उस ए को यूज करके हम क्या कर निकालेंगे, एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है, और √3 का अगर बात किया जाए तो √3 का वही वैल्यू रखना है जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो 1.732 रख सकते, लेकिन क्वेश्चन में पहले से दिया है कि 1.73 रखना है। ठीक है ना, तो हाइट कितना हमको गिवेन है, 6 है, तो हाइट की जगह पर रख लेंगे 6, 6 इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है, ये 2 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई होगा और √3 नीचे आके डिवाइड होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ठीक है, 6 × 2/√3। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्या 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 6 को हम लिख रहे हैं 3 × 2, और पहले से यहाँ पर 2 है और नीचे हो जाएगा √3। ठीक, तो इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 3 का मतलब हुआ √3 × √3। ठीक है, यानी कि इस √3 से एक √3 जब कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ए का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 4√3। समझ आ रहा है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये 3 जो है हम ब्रेक किए √3 × √3 में, तो ये √3 एक √3 को कट कर दिया और बचा एक √3, तो ये हो गया 4√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक्चुअली में हमको निकालना है एरिया। ठीक है, एरिया निकालना है, साइड का मेजरमेंट तो पूछा नहीं है, तो यानी कि ए अभी जाके आगे कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है ना, तो जब आगे कैलकुलेट होने वाला है तो यहां पर हम √3 का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, हो सकता है √3 कट भी जाए। ठीक है ना, चलिए तो अब यहां हम लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू √3/4a². ठीक है, √3/4a², यानी कि 4√3 × 4√3। ठीक है, यहां लिखते हैं 4√3 × 4√3। 4√3 का मतलब होता है 4 × √3, तो हम 4 को इससे कटा सकते हैं, बचा √3 × √3, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 × √3। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 × √3। ठीक है, ये हो जाएगा 12 × √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू इतना दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 × 1.73, ये आ जाएगा 20.76 सेंटीमीटर². ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से √3 का वैल्यू दिया है 1.73, तो हम इतना ही रखेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20.76 सेंटीमीटर². ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये एक तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम कहते हैं, यानी कि जो चीज़ पूछ रहा है उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है, यानी कि एरिया निकालने के लिए हमको ए की जरूरत है, लेकिन ए ना देके क्या दिया है, हाइट दिया है, तो हाइट को यूज करके पहले हम ए तक पहुंचेंगे, तब उसके बाद ए से हम क्या निकाल पाएंगे, एरिया, यानी कि ए का मतलब साइड है यहाँ पे। ठीक है ना, तो साइड के मेजरमेंट से हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।